What's up and welcome back to my channel. Happy New Year! साल की first video है यार, लेकिन उससे पहले पिछले साल क्या हुआ ये जानना भी तो बहुत important है. तो मन्नी और मैं निकल पड़े थे अपने यूरोप ट्रिप पे अराउंड 15 डेज के लिए यार. लेकिन कोई भी ट्रिप जाने से पहले मेरी सबसे पहली ट्रिप होती है सरोजनी नगर में. वहाँ से मैंने इतने मस्त प्यारे प्यारे सस्ते में विंटर कलेक्शन वाले कपड़े लिए ताकि मेरी हेल्प हो पाए, मैं बाहर जहाँ पे भी ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ पे मैं पहन पाऊँ. सो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू गाइज एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे यूरोप ट्रिप स्टार्ट होती है रोड ट्रिप अक्रॉस स्विट्जरलैंड. तो फर्स्ट डे तो मैंने ये मस्त पिंक कलर का स्वेटर पहना था, विच आई एम सो लकी कि मेरे को मिल गया सरोजनी नगर में. जस्ट लुक एट इट, ये इतना पिंटरेस्टी और इतना ज्यादा फ्लफी फ्लफी सा है. एंड ये मेरे को सिर्फ 100 रुपए में मिला है. एंड मेरे को बार्गेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जैसे फिक्स प्राइसेस शॉप्स होते हैं ना, सबसे पहले मैं वहां भागती हूँ, वहां पे बार्गेन नहीं करनी पड़ती है. एंड ये इतना ज्यादा बड़ा ओवरसाइज कोजी स्वेटर है, मतलब ये ड्रेस भी बन सकती है, आई मीन फॉर मी. प्लस जो ये अंदर लेयर्स है ना, ये इसके अंदर एक और स्वेटर प्लस एक वार्मर एज वेल, मस्त इन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट कर रखा था यार. नीचे फ्लीस लेगिंग्स जो कि मैं इतनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ अपनी, भाई साहब वहाँ पे 6 to 8 degrees कुछ टेम्परेचर था, इतना मस्त इन फ्लीस लेगिंग्स से मेरे को प्रोटेक्ट करके रखा है ना, आई जस्ट लव दिस, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर. इसके नीचे मेरे को ये स्कर्ट भी मिली है सरोजनी नगर से, ये मेरे को अराउंड 150 rupees की मिली है. अगेन वेरी रैंडम फाउंड. तुम्हें लगता होगा कि सोनिया तुम ये जो चीज़ें दिखाती हो, हम जाते हैं सरोजनी नगर हमें तो मिलती नहीं है यार, मुझे भी नहीं मिलती, मतलब मैं पूरा दिन लेके जाती हूँ अपना एंड जस्ट सर्च करना पड़ता है कि अगर कुछ मिल गया मुझे तो ठीक है, अदरवाइज मैं भी बहुत बार खाली हाथ आई हुई हूँ, ऐसा नहीं है. देखो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूँगी कि सिर्फ सरोजनी पे भी डिपेंड मत रहो. छोटी छोटी एक्सेसरी जैसे ये क्यूट सा स्कार्फ मैंने अमेजोन से लिया था, इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसके साथ. और कागज, अरे ये ऐसे फोल्डेबल ईयर मफ्स, मैं बिल्कुल प्यारी ऐसे बारबी बन के घूम रही थी. ऐसे बच्चे को नहीं ऐसे सुबह नहला धुला के कपड़ों में पैक कर देते, पूरी ऐसी बन के घूम रही थी मैं. एक सेकेंड, आवाज़ नहीं आ रही मुझे अपनी. मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतनी प्यारी क्यूट विंटर कपड़ों में नहीं बन के घूमी होंगी कहीं पे भी. घर पे भी मैं नॉर्मल अपने पजामों में ही रहती हूँ. एंड दिस वॉज माई फिट फॉर द वेरी फर्स्ट डे. मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्लस मैं कोजी कम्फी थी एंड डल नहीं था मेरा आउटफिट, ऐसे पिंक कलर था, ऐसे ब्राइट चेयरफुल वाइब आ रही थी ना, आई जस्ट लव्ड इट. तो सरोजनी का इस बार बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे को बहुत ही ईजिली 100-100 रुपये में ऐसे मस्त हाई नेक स्वेटर्स मिल रहे थे. ये दिखने में बहुत ही पतले हैं तो लाइक ट्रैवल लगेज में मेरा स्पेस भी कम घेर रहे थे, लेकिन क्या मस्त वॉर्म है, लाइक अभी भी मेरे को बहुत ही अच्छी हीट प्रोवाइड कर रहा है. काफ़ी कलर्स थे इसमें तो मैंने एक ये वाला भी पिक किया था इसके ऊपर. ओके, तो जो ये मेरे को ड्रेस मिली है ये मेरे को सरोजनी से नहीं मिली, ये मेरे को मेरे घर के पास वाली मार्केट है ज्वालाहेड़ी मार्केट है तो वहाँ से मिली है. वहाँ पे भी ऐसे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरा हमेशा ये मंत्रा एंड आइडियोलॉजी रहती है कि मैं सिर्फ ना एक ही मार्केट पर स्टक नहीं रहती, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना मेरी आंखें ऐसे ऐसे घूम रही होती कि मुझे कहीं से क्या पता कुछ ऐसे हिडन डिफरेंट यूनिक सी पीस मिल जाए. एंड मेरे को ये मस्त ड्रेस मिली है. ओके, मेरे को पता था कि ये हाफ स्लीव में है लेकिन ऑब्वियसली आई कैन लेयर इट अप, इसके ऊपर भी और भी चीज़ें कर सकते हैं. तो ये मेरे को 150 रुपये की ड्रेस पड़ी है, येस 150 रुपीज़ की. एंड ये भी काफ़ी वॉर्म है, तुम इसका फैब्रिक देख सकते हो ऐसे वुलन वुलन टाइप का, ऐसे दो बटन भी दे रखे हैं लेकिन ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट इनफ. तो इसके ऊपर मैंने मस्त ये बहुत ही प्यारा लाइट ब्रीजी कलर का ऐसे लॉन्ग कोट पहना था, ये भी थ्रिफ्टेड है, ये मेरे को 200 रुपये का पड़ा है, ये भी मैंने ज्वालाहेड़ी मार्केट से लिया है. ये जो ये ड्रेस है इसका जो स्टॉल था, इसके जस्ट बाजू में जो स्टॉल था वहाँ पे मस्त ऐसे ट्रेंच कोट्स मिल रहे थे. एंड इसमें टोपी भी है जादू लग रही हूँ मैं अभी, लेकिन कि मेरे सर को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, लाइक ज़्यादा ऐसे हवा वगैरह नहीं लगेगी. लेकिन इसके साथ मैंने मस्त ये स्कार्फ भी स्टाइल किया था, ये मैंने सरोजनी नगर से पिक किया था 150 रुपये में, मतलब जितने की मेरी ड्रेस है उतने का ये स्कार्फ मेरे को पड़ा है. बट स्टिल इट्स वेरी वॉर्म, ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ऐसे मुलायम मुलायम सा है तो काफ़ी अच्छी मेरे को वॉर्म प्रोवाइड कर रहा था. देखो इतनी लेयरिंग में ना यही होती है कि ना तुम थक जाते हो एक पॉइंट के बाद, तो वही अभी मेरे साथ भी हो रहा है. लेकिन मैं मस्त कोजी बन के पहाड़ों पे घूम रही थी बर्फीले एरिया में एंड मुझे कोई ठंड नहीं लग रही थी, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने इसके अंदर भी वार्मर एंड एक और स्वेटर अपनी खुद की पर्सनल लेगिंग्स भी कर रखी थी. नीचे अगेन फ्लीस लेगिंग्स ने मेरे को बहुत ही अच्छा टाइट हग कर रखा था, अच्छी वार्म प्रोवाइड कर रखी थी. एंड मैं बहुत ही मस्त सुंदर बन के सस्ते में पहाड़ी एंड बर्फीले एरिया में आराम से घूम पा रही थी, कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी. सो नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए हम तैयार
तैयार हो रहे थे तो मैंने ये ग्रीन कलर वाला स्वेटर चूज किया था, जो कि सरोजनी में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, बट ऑब्वियसली मैंने ग्रीन कलर वाला चूज किया, थोड़ा अच्छा वाइब्रेंट, थोड़ी डिफरेंट वाइब आती, प्लस इस पे लव लिखा हुआ है, लव किसे नहीं पसंद। एंड ये मेरे को सिर्फ 150 रुपए का पड़ा है। भाई साहब ये वाला एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मोटा गर्म, एंड अगर तुम इसके अंदर लेयरिंग कर भी लोगे ना तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि तो खुला खुला सा है, बहुत ही मस्त। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे को व्हाइट पैंट्स चाहिए थे, फॉर सम रीजन आई डेंट हैव एनी, एक ही थी वो भी बहुत पुरानी जिसका फिट अब नहीं इतना अच्छा आता था। तो एक मेरे को ये मिल गई ज्वाला हेड़ी मार्केट में, ये ऐसे ही रैंडमली घूमते हुए एक शॉप पे मेरे को मिली, मैंने बिना ट्राई करे ली है, एंड घर आके ट्राई की तो मेरे को अभी अच्छी फिट आई है, मेरे को 600 रुपये की पड़ी है, बट परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं इसे समर्स में भी बहुत ही अच्छा चला सकती हूँ। एंड इसके नीचे मैंने देखो फ्लीस लेगिंग्स भी पहनी हुई है, इसके ऊपर आराम से मेरी पैंट्स फिट आ गई, कोई भी ऐसे खिचू खिचू नहीं लग रहा है, आराम से बहुत ही कोजी कम्फी। गाइज यस, मैं बहुत मार्केट घूमती हूँ, मैं रजौरी मार्केट भी गई थी, एंड वहाँ पे मेरे को रैंडमली ऐसे ये स्कार्फ मिल गया था, जो कि मेरे को लग रहा था इस ग्रीन कलर से मैच कर गया वहाँ पे जाके, ये मेरे को 199 का पड़ा था। मेरे को लगता है टोपी पहनना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे को नहीं ऐसे शर्म वरम आती, मेरे को है कि मेरा सर ढका होना चाहिए, कान ढके होने चाहिए, तब मैं कोजी कम्फी रहूँगी। एंड जब मैंने अपना पूरा आउटफिट पहन लिया था ना, देन आई एक्सपीरियंस माय फर्स्ट एवर स्नोफॉल। भाई साहब जिंदगी की पहली स्नोफॉल, मैं तो पागल हो रही थी, मस्त मैं खेल कूद रही थी, भाग रही थी इधर उधर, आई हैड सो मच फन दैट डे। भाई साहब दिल्ली में तो गर्मी लग रही है मुझे इतने कपड़े पहन के, व्हाट इज हैपनिंग। ये वाली जैकेट मैंने ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर से ली थी, कॉटन कैंडी स्टोर, जिनका इंस्टाग्राम में नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो जो ये टोपी है मैंने डिकैथलॉन से ली थी। बेसिकली दिस वॉज माई लुक, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मैं बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, मतलब कि कोजी थी, येस, एंड आई हैड सो मच फन। एंड अगेन मैंने अपनी स्नोफॉल तो बहुत ही अच्छे से इन्जॉय की। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें और भी डिटेल्स जाननी है कि हमने अपनी ट्रिप कैसे प्लान करी है एंड और कौन कौन सी जगह हम गए, तो धीरे धीरे व्लॉग्स आने वाले हैं सोयाबीन कपल चैनल पर भी, मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, तुम बस इंतजार मत करो, हम डाल रहे हैं, जल्दी डाल रहे हैं। ओके मूविंग ऑन, अनदर आउटफिट ऑफ मी टेलिंग कि अगर बेस लेयर्स बिल्कुल तगड़े हो ना, तुमने अपने आप को हर जगह से प्रोटेक्ट कर रखा हो, तुम ऊपर कुछ भी पहन सकते हो, तो मैं बहुत ही मजा आने वाला है इंटायर डे, तुम ठंड में नहीं मरोगे। तो ऊपर मैंने अगेन ये ब्लैक कलर का ऐसे लेस ट्रिम वाला डिटेलिंग वाला हाई नेक, थोड़ा सा हाई नेक स्वेटर वाला पिक किया था, 200 रुपए में। भाई साहब इसके अंदर तुम कितनी चीजें पहन लो, वैसे ये भी बहुत ही गर्म है, दिल्ली के हिसाब से परफेक्ट है अभी के लिए। नीचे मैंने अपने ब्लैक वेलवेट पैंट्स पहने थे, जो कि मैंने अभी रिसेंट न्यू ईयर पार्टी आउटफिट वाली वीडियो में पहने थे, तो यार ये मैंने लेके चली गई थी, इसके अंदर फ्लीस लेगिंग्स, लेयरिंग इंपॉर्टेंट है भाई। उसके ऊपर भाई साहब इसको पहले एक बार देखो, इस पर सितारे लगे हुए हैं, स्टार्स मुझे कितने ही ज्यादा पसंद है, आई हैव अ स्टार टैटू एज वेल, वो भी छुप चुका है, मक्खी मक्खी अटैक हो गया मेरे ऊपर। ये मेरे को 200 रुपए में मिला, वो भी ऐसे पटरी पे, इट वॉज नॉट ऑन अ स्टॉल एज वेल, इट वॉज जस्ट ऑन अ पटरी। भाई साहब इतना मोटा स्वेटर है ये, आई लव दिस सो मच, एंड ये बिल्कुल भी चुभने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड सैड बात ये है कि उन पर ऐसी चीज़ एक ही होती है। थ्रिफ्टिंग की वैसे मेरे को यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि तुम्हें हमेशा एक यूनिक डिफरेंट पीस मिलेगा, जो कि किसी के पास नहीं होगा, सो दैट इज़ गुड इन अ वे कि चीज़ें रिसाइकिल भी हो रही है, एंड यू डू नॉट ऑलवेज एंड अप बाइंग द सेम थिंग जो मे बी दूसरे लोगों के पास भी हो, तो या यू विल ऑलवेज लुक डिफरेंट एंड यूनिक, वो भी सस्ते में, वाई नॉट, दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। तो मैं ये वाले कपड़े पहन के बहुत ऐसे केबल कार पे ऊपर हम किसी पहाड़ पे गए थे, एंड अगेन मेरे को कोई ठंड नहीं लगी थी, आई वॉज वेरी कोजी कम्फी दी एंटायर डे, एंड या वी सेलिब्रेटेड मन्नी का बर्थडे ऑन अ पहाड़, ही लव्स माउंटेन्स, स्नो, ठंडी जगह, तो मेरे को लग रहा ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, मैं भी थी क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी, मेरे को ठंड ज्यादा ना ऐसे सुहाती नहीं है, मेरे को ऐसे हो जाता है, तो या इवन आई वॉज हैप्पी। मन्नी के बर्थडे के बाद आता है ये रही मैं, मेरा बर्थडे। भाई साहब इस ड्रेस का हाल है कितना ज्यादा बड़ा है, मैंने ये ड्रेस चूज करी, ये मेरे को अगेन रैंडमली सरोजी नगर में मिल गई, एंड ये मेरे को अराउंड 350 रुपीज की पड़ी है, इतना मस्त निट है इसका, लाइक इसमें कोई भी कट नहीं है, कहीं से भी ये गंदी नहीं है, एंड इसका फिट कितना ज्यादा अमेजिंग है, तुम इसके अंदर कितनी भी लेयरिंग कर सकते हो आराम से, ये जो इतना बड़ा हाई नेक है ना सब छुपा देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्लेन ड्रेस को मैंने एक्सेसराइज किया विद रेड एलिमेंट्स ताकि थोड़ा पॉप ऑफ कलर आए, तो सबसे पहले जो ये स्कार्फ है मैंने सेम शॉप जहां से मैंने ग्रीन कलर का स्कार्फ लिया था रजौरी गार्डन से वहीं से लिया, ये मेरे को 199 रुपीज का पड़ा, मैंने सोचा था कि मैं इसे क्रिसमस पे पहन लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को बर्थडे पे काम आ गया यार, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आए इन विंटर बूट्स की बारी, ये मेरी फर्स्ट एवर विंटर बूट्स है, मैंने आज से पहले कभी भी विंटर बूट्स नहीं खरीदे, एंड ऑब्वियसली मैं 15 दिन के लिए जा रही थी तो मुझे कुछ फुल प्रूफ चाहिए था, तो ये मैंने मिंत्रा से
देखिए H&M से ये अराउंड मेरे को 2,000 या 2,500 के बीच में कहीं पड़े, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया था मेरे को, लेकिन भाई साहब ये मेरे बहुत आराम से काम आए एंड आगे भी काम आने वाले हैं। इसके अंदर ऐसे फ्लीस दे रखे हैं तो आराम से वॉर्म्थ प्रोवाइड हो रहा था, ऊपर से ये वाटरप्रूफ है तो ये स्नो बूट्स भी बन जाते हैं, मतलब कहीं से भी गीले नहीं हुए, अंदर पानी नहीं जा रहा था तो मैंने टाइट भी कर सकते हो यहाँ से, एंड इनको कुछ भी नहीं हुआ है 15 दिन में, एंड इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, प्लस लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई साहब ये क्या ही चीज़ है, तो मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। अपने बर्थडे पे लोग मुझे ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ऐसे अटेंशन मिल रही थी मेरे को, और क्या ही चाहिए यार। लेकिन मेरे को पता है कि मैंने बर्थडे ड्रेसेस पे भी वीडियो बनाई थी, वो भी मैं थोड़े ऑप्शंस लेके गई थी अपने साथ, लेकिन उसमें मेरी कोई ठंड नहीं रुकती यार, मैं उसमें कोई लेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम ऐसे थोड़े बर्फीले एरिया एंड 6 डिग्री 4 डिग्री वाले एरियाज में थे, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी मोटी चीज़ चाहिए थी। मैं मस्त प्यारी लिटिल गर्ल इन हर रेड बूट्स बन के घूम रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी अगेन, कंफर्टेबल। प्लस ड्रेसेस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली थ्रिफ्टिंग में, बट अगेन सरोजनी जिंदाबाद यार एज ऑलवेज। एंड नाउ इस पूरे ट्रिप की, सरोजनी के भी ट्रिप की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परचेज, ये फॉर फर वाला कोट, नकली फर वाला कोट, भाई साहब ये मेरे को चाहिए था, ये मेरे को ऑनलाइन भी हर जगह दिख रहा था H&M वगैरह पे, बहुत महंगा ऐसे 22,000-23,000 रुपये का, लेकिन मेरे को ये सरोजनी में लकीली मिल गया सिर्फ 400 रुपये में, सिर्फ 400 रुपये में। एंड ये इस सिल्वर वाले के साथ आराम से जा रहा था, ये ग्रेइश अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इसको ऐसे टक कर लो, एंड मैं बिल्कुल ही क्रिसमस रेडी थी। भाई साहब इस कोट ने मुझे क्या प्रोटेक्ट करा है, मतलब इतनी स्नोफॉल हो रही थी कि तुम्हारे आँखों में जा रही है, नाक में जा रही है, मुंह में जा रही है, लेकिन इसने मेरे को बहुत ही अच्छे से स्टाइलिश दिखाते हुए वार्म रखा, ऐसे प्रोटेक्ट किया स्नो से, ठंड से कोजी रखा, एंड भाई साहब ये कितना ही सुंदर, इतना ज़्यादा पॉश और एलिगेंट लग रहा है, एंड अगेन हाँ ये महंगा लुकिंग भी लग रहा है, एक्चुअली में लोग महंगा बेच भी रहे इसे ऑनलाइन, बट जस्ट 400 रुपीज़ इन सरोजनी नगर, आराम से इतना मस्त ओवरसाइज, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये यूनिसेक्स है, लाइक अगर मन्नी भी पहनेगा तो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा, इवन बॉयज कैन वेयर इट, बहुत ही प्रिटी सी चीज़ लगी मेरे को तो ये, एंड ये ऐसा यूनिक पीस है तुम्हारे वार्डरोब के लिए, तुम उसके साथ कितने ज़्यादा आउटफिट स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज लुक प्रिटी। वैसे मेन क्रिसमस ईव पे ना ऐसे ट्रेडिशन होता है कि तुम्हें ऐसे अगली क्रिसमस स्वेटर पहनना होता है, लकीली मेरे को तो बहुत ही सुंदर वाला स्वेटर मिल गया ज्वाला हेडी मार्केट से सिर्फ 200 रुपये में, आई वॉज नॉट इवन लुकिंग फॉर अ क्रिसमस स्वेटर, मेरे को बस रैंडमली मिल गया, एंड ये बज रहा है, इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, मस्त ऐसे फ्रिल लगा हुआ है, मैरी एवरी थिंग, मतलब हमें सब मिलने वाला है इस बार क्रिसमस पे, स्लीव्स पे भी डिजाइन दे रखा है यार, सो क्रेजी। इसके नीचे मैंने अपने वही वेलवेट वाले पैंट्स पहने हुए थे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली मेरे को अपनी -10 डिग्री वाली डिकैथलॉन की जैकेट भी पहननी ही पड़ी ऑफकोर्स, एंड बिकॉज स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो जो ये वाली जैकेट है इट्स वाटरप्रूफ एज वेल, तो ये मेरे को स्नो से एंड गीले होने से प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन जो ये हाईनेक तुम्हें दिख रहा है ना, इसके अंदर भी मैंने 2 वार्मर और एक और स्वेटर पहना हुआ था, उसके ऊपर ये चीज़ें थी, तो जाके मैं कुछ प्रोटेक्ट हो पा रही थी, वहाँ पे -4 -5 डिग्री था, प्लस हवा इतनी ज़्यादा, कॉन्स्टेंट स्नोफॉल, तो यार इतनी चीज़ें तुम्हें चाहिए प्रोटेक्ट होने के लिए, बट अगेन मैं पूरी रेड क्रिसमस वाइब में थी, यानी जिंगल बेल भी हो रहा है ना, बहुत ही अच्छी फेस्टिव वाइब हो रखी थी। तो क्रिसमस बनाने के बाद हम निकल गए थे प्राग की तरफ, तो वहाँ पे मैंने अगेन पहले तो अपना 100 रुपये वाला जो मैंने हाईनेक उठाया था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, वो वाला पहना है, नीचे जो मेरी स्कर्ट ऑलरेडी वार्डरोब में रखी थी वो नीचे, प्लीज लेगिंग्स, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही मस्त चीज़ जो मैंने सरोजनी नगर से पिक की, वैसे ये एक ड्रेस है लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे तुम ट्रायल नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई ट्रायल रूम नहीं होते सरोजनी नगर में, तो मैंने ऐसे पिक कर ली थी, मेरे को लग रहा था कि ये मुझे टाइट आएगी, एंड एक्चुअली में मुझे काफ़ी टाइट आ गई, तो इसको मैंने एज अ जैकेट पहन लिया था, तो मैं इसे बंद कर सकते हो, बंद भी हो जाता बट मैं कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैंने इसे ऐसे खोल लिया था, तो ऐसे जैकेट कोट वाली वाइब दे रहा था, बहुत ही क्लासी एंड शीक लुक निकल कर आ रहा था, एंड काफ़ी सस्ते में, एंड प्राग में ऐसे -डिग्री वाला टेम्परेचर नहीं था बट स्टिल ठंड तो थी, तो इसके नीचे तुम लेयरिंग कर सकते हो या फिर इसके ऊपर भी जैकेट पहन सकते हो, बट दिन में दिस वॉज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ रही थी, एंड ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था, आई लव कि कलर्स एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एंड ये मल्टी कलर भी काफ़ी अच्छा जा रहा था, ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था काफ़ी कम एफर्ट्स लगे इसको स्टाइल करने में, बट ऐसा लग रहा है कितनी मेहनत लगी होगी, आई लव दैट लुक। तो प्राग के बाद हम बस ट्रिप पे निकल जाते हैं टू एम्स्टरडम टू सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी,
एंड न्यू ईयर्स एज वेल. तो फर्स्ट डे तो मैंने ये वाला ही लुक पहना हुआ था बस में भी, लाइक हमने सफ़र में एंड हमें होटल चेक इन वगैरह कुछ भी नहीं मिला था, तो मैं यही पहन के घूम रही थी अपना मस्त. जो ये चीज़ है वैसे ये मेरे को समर थिंगी लग रही है, बट ये मेरे को 80 rupees में मिली है, तो मैंने सोचा मैं तो इसे विंटर्स में भी स्टाइल करने वाली हूँ. तो अंदर अगेन लेयरिंग पूरी ज़बरदस्त मैंने कर रखी थी, ऊपर मैंने ये पहना हुआ था, ये बहुत ही कलरफुल क्रेजी वाइब दे रहा था, आई वॉज लविंग इट सो मच. लेकिन ऑब्वियसली हमें एक और लेयर तो चाहिए ही, तो ये बहुत ही बड़ी वाली पफर जैकेट जो कि मेरे को ज्वाला हेडी मार्केट में से मिली, थ्रिफ्ट करी है मैंने ये वाली भी, ये मेरे को अराउंड 250 या 300 rupees की पड़ी है. ये मैंने मोस्टली पूरी ही ट्रिप पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी आउटफिट के साथ मिक्स मैच करके पहनी ही है, एंड ये मेरे लगेज में बिल्कुल भी नहीं रही है, ये मोस्टली मेरे हाथ में ही रही है ट्रैवलिंग के टाइम पे भी. एंड आई वाज अगेन सो कोजी एंड कम्फी. प्लस का कलर कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब इस बार आई मेड श्योर कि मेरे जो विंटर आउटफिट्स हैं वो बिल्कुल भी डल या फिर ऐसे डार्क कलर्स वाले ना रहे, थोड़े कलर्स आए उसमें, थोड़ी हैप्पी चेयरफुल वाइब रहे क्योंकि मौसम तो बहुत ही ग्लूमी ही रहता है. इसकी हुडी वैसे बहुत बड़ी है, इट्स लाइक अ घूंघट फॉर मी, ये मेरे सर के लिए काफ़ी बढ़िया, बट इसका फर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब नकली वाला फर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. हम तो थक गई यार, ये वाले कपड़े दिल्ली के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं मेरे को, मेरी सांस फूल गई है. ओके मूविंग ऑन. तो फर्स्ट डे हमारा एम्स्टरडैम में, मैं इस जैकेट का वेट कर रही थी कि मैं कब अपने लगेज में से निकालूँ एंड अच्छे से स्टाइल करूँ. ये मैंने पिक करी थी ज्वाला हेडी मार्केट से 300 rupees में, बहुत ही ज़्यादा रैंडम थी ये मेरी फाइंड एंड कुछ इस तरीके से लग रही थी. मैंने वहाँ पर इतने ज़्यादा गर्ल्स को सिमिलर जैकेट पहनते हुए देखे एंड आई वाज लाइक मेरे को तो ये बहुत ही सस्ते में 300 rupees में मिल गई थी मेरे को. नीचे मैंने वही अपनी सरोजिनी नगर वाली स्कर्ट स्टाइल करी थी, मतलब जो बेसिक पीसेस थे वो इधर उधर तो मेरी सारी स्टाइलिंग में जा ही रहे थे, लेकिन स्टार ऑफ द शो ये फॉर फर वाले बूट्स जो कि मैं उठा के लेके गई थी, इनका भी काफ़ी वैसे वेट था लगेज में, बट ये वैसे काफ़ी हल्के, इट्स नॉट दैट हैवी. ये भी मैंने मिंत्रा से H&M से पिक करे थे. ओह माय गॉड, दिस वाज द वाइल्डेस्ट परचेज ऑफ 2023, आई एम टेलिंग यू. मेरे को लगा कि मैं कुछ तो स्टाइलिंग इसकी कर ही लूँगी, आई हैड नो विजन इन माइंड जब मैंने इन्हें परचेज किया, बट क्या ही मस्त निकल कर आया. मैंने इसका पूरा गेट रेडी विद मी भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, यू कैन चेक इट आउट. बट ये पूरे ही कलर्स इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, ऑल्सो स्किन कलर वाले फ्लीस लेगिंग्स. यस, इस बार मैंने ब्लैक वाले नहीं पहने, स्किन कलर वाले पहने. इसके अंदर भी पूरा ऐसे यू नो फ्लीस दे रखा है, इट्स वेरी वॉर्म, इट्स वेरी कम्फर्टेबल. एंड मैं पूरी सिटी गर्ल बन के घूम रही थी एंड आई वाज सो हैप्पी. लाइक इस पूरे आउटफिट ने मेरा मूड ऐसे चेंज कर दिया था. यहाँ पे ऐसे बटन भी दे रखा है, तुम बंद भी कर सकते हो, सो क्लासी, आई लव इट. सो गाइस दीज वर ऑल द आउटफिट्स. वैसे इसके अलावा भी मैंने और भी आउटफिट स्टाइल करे थे, बट जो ये वाले मेन आउटफिट्स है ना, दीज वर लाइक दी हाईलाइट जो कि मैंने सरोजिनी नगर या फिर और भी दूसरी मार्केट से, लोकल मार्केट से थ्रिफ्ट करे हैं. सो आई होप यू गाइस लाइक इट. आई तो लव्ड ईच एंड एवरी पीस क्योंकि बहुत ही सस्ते प्राइस में आई गॉट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड लुक्स क्रिएट हुए मेरे इस बार. एंड विंटर्स में ऐसी स्टाइलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट आई थिंक आई वॉज लकी दिस टाइम, मेरे को काफ़ी अच्छे पीसेज मिल गए. यू गाइज लेट मी नो तुम्हारा फेवरेट आउटफिट लुक या फिर थ्रिफ्टेड पीस कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी न्यू ईयर. बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, आई गेस वो तो सबको पता ही है, बट या हैव फन, एंजॉय, लाइक एंड सब्सक्राइब. दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बाय.